So hey, your director present. Today I learn Aishwarya perfect outline draw easily. So let's get started. कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करते वक्त ध्यान रखें क्योंकि पोर्ट्रेट बीच में होना चाहिए, पेज शीट के बीच में होना चाहिए, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। और आपसे अगर नहीं होता है तो साइड में चला जाता है कभी कभी ड्रॉ करने के बाद, तो आप ऐसा इजी मेथड भी यूज़ कर सकते हो। बॉक्स बना लो अप स्केल से, उसके बाद तुम उसके अंदर स्केच करो, आउटलाइन ड्रॉ करो, तो यही सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हो। सो बॉक्स बना के कैसे आउटलाइन ट्राई करना है तो मैं इसके ऊपर वीडियो एक बनाऊंगा, अभी देखता हूँ। तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप बॉक्स बना के ट्राई कर सकते हो। जब तुम आइस ड्रॉ कर रहे हो तब अपना पेंसिल को शार्प रखना है, क्योंकि आइस जब भी ड्रॉ करते हैं हम तो पेंसिल शार्प करना ज़रूरी होता है, नहीं तो आइस ठीक से ड्रॉ नहीं होगा। और किसी भी चीज़ पे प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कि लाइक आइस, नोज एंड फेसेस, तो इसके लिए मैं अलग सा ट्यूटोरियल्स बना के रखा है, तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो आप। आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो वीडियो जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। और ड्रॉ करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखें क्योंकि जो भी चीज़ तुम ड्रॉ कर रहे हो वो ठीक से देख के ड्रॉ करना है, और ठीक से ड्रॉ हो रहा है कि नहीं वो भी ध्यान रखना है। और हमें रफ स्केच बनाना है किसी भी चीज़ का, तो उसके बाद ही नेक्स्ट फाइनल टच करना है। तो रफ स्केच में अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो तुम इसको ईजीली इरेज करके दोबारा तुम इसको ट्राई करो, उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में जाओ, तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ। और जल्दी मैं इसका पार्ट टू लेके आऊँगा जो शेडिंग का रहेगा। तो या गाइस देखते हो, अभी तो चूज़ नहीं किया है मैंने, पेंसिल से करूँगा या पेन से, तो देखता हूँ और जल्दी मिलेगा आपको। आउटलाइन ड्रॉ कंप्लीट होने के बाद एक बार जो भी चीज़ ड्रॉ किया है तो उसको देख लेना है, अगर ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ तो इसको इरेज करके दोबारा ट्राई करना है, अगर ठीक से हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में जाना है। आज सिर्फ आउटलाइन ही दिखाने वाला हूँ और इसका मैं शेडिंग का नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, तो देखता हूँ एक दो दिन में ही मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तो आप मेरा और भी बहुत सारा वीडियो से चैनल पे विजिट करके देखो, मैं होमवर्क जो करता हूँ और बाहर भी थोड़ा थोड़ा वीडियोज़ बनाता हूँ जो लाइव स्केच का, तो होप यू आपको अच्छा लगेगा। तो जाओ चैनल पर विज़िट करो और देखो। और आपको डांस अच्छा लगता है तो मेरा डांस का भी चैनल है, तो आप वहाँ पे जाके मेरा इजीली डांस वीडियोस देख सकते हो, तो उस चैनल पे भी मैं ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आपको डांस अच्छा लगता है तो डांस वीडियोस देखो जाओ, और वीडियोस अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care. Bye.